जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बहुत जल्द मंडला नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल परियोजना पूर्ण होती दिखाई दे रही है। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, सिवनी रेलवे स्टेशन सेक्शन में बहुत जल्द पटरी बिछने का काम प्रारंभ होने वाला है। चलिए आप लोगों को बताते हैं वर्तमान में कहां से कहां तक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है और भी अन्य निर्माण कार्यों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारा यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वर्षों बाद सिवनी रेलवे की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों नागपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग से बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो रहा है, या हम कहें शुरू हो चुका है। नागपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग से बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग के मध्य सिवनी रेलवे स्टेशन भी पड़ता है और खास तौर पर सिवनी रेलवे स्टेशन सेक्शन में और दोनों एंड के आउटर में ट्रैक बिछाने के लिए लेआउट्स वगैरह भी तैयार किए जा चुके हैं और क्रेन की मदद से स्लीपर बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। सिवनी स्टेशन सेक्शन में स्लीपर बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है और नागपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग से सिवनी स्टेशन होते हुए बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग तक ट्रैक बिछाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें दो हफ्ते के अंदर अंदर पटरियां बिछाना भी शुरू हो जाएंगी। और वर्तमान की स्थिति में चौरी व सिवनी के मध्य न केवल अंडर ओवर ब्रिज निर्माण के कार्य पुनः प्रारंभ हो गए हैं, बल्कि इमारतों को अंतिम स्वरूप भी दिया जा रहा है। हालांकि सभी अंडर ओवर ब्रिज व सभी छोटे बड़े पुल पुलिया भी तैयार है, जिनमें सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए साइड ग्रिल लगना बाकी है। दोस्तों सिवनी रेलवे स्टेशन में ब्रॉडगेज रेल लाइन संचालित करने के लिए दो स्टेशन बिल्डिंगों का निर्माण कार्य आरंभ है। वहीं रेल कर्मचारियों के लिए निवास हेतु आवास बनाने का कार्य पूरी गति पर है। वहीं सिवनी रेलवे यार्ड का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया है। वर्षा काल समाप्त होने के बाद से ही चौरी सिवनी भूमा के मध्य अमान परिवर्तन कार्य में तेजी आई है, जहां वर्तमान स्थिति में बरघाट छिंदवाड़ा व नागपुर मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग में पटरी बिछाए जाने का कार्य जारी है, जबकि मालगोदाम यार्ड के संचालन हेतु स्वीकृति निर्माण आरंभ है। लेकिन अगर बात की जाए तो एक और तो सिवनी में ट्रैक बिछता देख सिवनी वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और एक और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जो थोड़ी निराशाजनक है। अमान परिवर्तन का कार्य आरम्भ होने के बाद छिंदवाड़ा रोड रेलवे क्रॉसिंग के आस पास रेल संपत्ति पर कब्जा कर मकान निर्माण करने वाले अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन की मदद से हटाया जा चुका है, जिसके बाद यहां अनेक कार्य प्रारंभ है। लेकिन बरघाट रोड में स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप स्थित क्षेत्र में कब्जा या अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने में अब भी जिला प्रशासन निष्क्रिय दिखाई दे रहा है, जिसका असर कार्य की प्रगति पर पड़ रहा है। दरअसल कटंगी रोड बाईपास एवं बरघाट मार्ग को जोड़ने के लिए रेलवे अपनी भूमि पर सड़क निर्माण करना चाहता है। इसी मार्ग के माध्यम से भारी वाहन निर्माणाधीन यार्ड तक पहुंचेंगे। वर्तमान स्थिति में अतिक्रमण न हटने से कार्य रुका हुआ है, जबकि रेल विभाग लगातार राजस्व अधिकारियों को इस मामले की जानकारी व दस्तावेज उपलब्ध करवा चुका है। वहीं बात करें तो नैनपुर से भूमा के मध्य विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसकी कुछ तस्वीरें आप वीडियो में देख सकते हैं। जहाँ जहाँ ओएचई पोल के बेस तैयार नहीं है, वहाँ वहाँ बेस तैयार कर उनमें ओएचई पोल लगाए जा रहे हैं, और जहाँ ओएचई पोल पहले से तैयार हो चुके हैं उनमें वायरिंग हो रही है और कुछ हिस्से में वायरिंग भी हो चुकी है। हालांकि जहां वायरिंग हो चुकी है उनमें कुछ टेक्निकल काम करना बाकी है। और अगर बात करें तो अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि सिवनी स्टेशन वगैरह में ट्रैक बिछाना शुरू हो चुके हैं और रेलवे के आला अधिकारियों का ये भी कहना है कि दिसंबर माह में और ज्यादा तेजी से काम होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही अगर हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।